हेलो गाइड्स, ओपिलाटस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आशा का तो बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहोगे। तो गाइड्स, आप देख सकते हैं सैमसंग कंपनी का सीआरटी बोर्ड 21 इंच का एक टेक्नीशियन ने लेके आया मेरे पास रिपेयरिंग के लिए। उसने देखा बहुत, लेकिन काम नहीं हुआ उसके पास। लेकिन ये भी हो सकता है, हर किसी का हर कोई काम पे नॉलेज नहीं होता है। तो गाइड्स, इसको ही रिपेयरिंग करेंगे। उसने 21 इंच का है, ये सैमसंग का, आप देख लीजिए। तो इसको ही रिपेयरिंग करेंगे और कहाँ पर फॉल्ट है आपको दिखाएंगे जो कुछ होगा वीडियो के थ्रू। तो गाइड्स, पहले फॉल्ट देख लीजिए क्या है। और ये जो पिक्चर ट्यूब है गाइड्स, ये मेरा पिक्चर ट्यूब है, यानी मैं इसको सेट किया वीडियो कॉम के पिक्चर ट्यूब पे, कोई बात नहीं है, ये अलग पिक्चर ट्यूब है। तो गाइड्स, आप देख सकते हैं ग्रीन स्किन हो गया, ग्रीन स्किन के ऊपर व्हाइट लाइन है, यानी ये क्या फॉल्ट है, ये 180 जैसा फॉल्ट है। 180 अगर मिसिंग होता है, 180 फॉल्ट, तो ऐसा फॉल्ट होता है। लेकिन ऐसा फॉल्ट होगा ना, ऐसा फॉल्ट नहीं होगा, ग्रीन लाइन, ग्रीन स्किन नहीं आएगा। 180 फॉल्ट में वाइट वाइट स्किन हो जाएगा और लाइन होगा। ओके, तो ये है ग्रीन स्किन, यानी 180 का फॉल्ट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कालाडिंग का फॉल्ट है। तो आपको दिखाएंगे रिपेयरिंग करके, देखते रहे वीडियो। तो गाइड्स, ये सैमसंग का बोर्ड है। ओके, तो गाइड्स, ऐसा फॉल्ट के लिए आपको सीधे इसके बेस बोर्ड में आना पड़ेगा। तो आपको बेस बोर्ड ही फोकस करके दिखाते हैं। और गाइड्स, मल्टीमीटर को आपको 200 के रेंज में सेलेक्ट करना पड़ेगा, डीसी। ओके गाइड्स, तो एक मैं पिक्चर ट्यूब पे कॉमन ले लेता हूँ। अब एक कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ग्राउंड इसको मिल गया। और अब आपको मल्टीमीटर को दिखाएंगे। मैं सेट पे लाइन दे रहा हूँ। तो गाइड्स, मैं सेट पे लाइन दे दिया और आपको वोल्टेज इसका मेजर करके दिखाएंगे क्या होता है। तो गाइड्स, सबसे फास्ट इसका स्किन का, यानी जो ब्लू, 185, यानी 185 वोल्टेज आ रहा है। ओके, उसके बाद दिखाएंगे आपको रेड वोल्टेज, वो भी सेम आ रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, ये भी सेम आ रहा है। ओके, यानी वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है 180 वोल्ट जो आना चाहिए बेस में, तीन कार्ड के लिए तीन वोल्टेज, वो आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे आईसी से जो आ रहा है पल्स, 1 से 1.5 वोल्ट तक आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1.5 आ रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन और रेड और ब्लू के लिए, देखिए ब्लू के लिए तो तीनों वोल्टेज आ रहा है, ग्रीन रेड ब्लू। अब आप देखेंगे आई के वोल्टेज, यानी जो आईसी से आता है 8 वोल्ट तक। तो यहाँ पे देखिए, ए सेट का जो आईसी वाला सेट होता है उसमें 3.3 होता है। तो गाइड्स, थोड़ा ज़्यादा है, कुछ बात नहीं है, चलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक आईसी लगा है, यहाँ पे आईसी का वोल्टेज देखेंगे, यहाँ पर यहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं। तो गाइड्स देखिए, 1.5 पहुँच रहा है, तीन वोल्टेज आना चाहिए 1.5 के लिए, ग्रीन ब्लू और रेड के लिए। तो गाइड्स आ रहा है, देखिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आई के वोल्टेज जो वहाँ पे मिल रहा था हमको 3.3 वोल्ट, वो आ रहा है। आप देखेंगे 180, तो ओके है 180, यहाँ पे भी ओके है, यहाँ पे भी ओके है और यहाँ पे भी ओके है। तो गाइड्स, इसका फॉल्ट क्या हो सकता है? तो गाइड्स, अब और कुछ बात नहीं है, इसमें आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा इसके जो आईसी लगा है, क्योंकि आपको यहाँ पे वोल्टेज में चेक करके दिखाया, इसका आईसी से वोल्टेज सही आ रहा है, जो तीन कलर के लिए 1.5 वोल्ट तक आ रहा है। ओके, तीनों कलर में 1.5 वोल्ट आ रहा है, यानी सही है। और आई के वोल्टेज भी आ रहा है आईसी से। और इधर मैं आपको दिखाया कि इसका जो गाइड से नहीं लग रहा है, तो गाइड्स हमारा तो सही, सभी वोल्टेज ही सही है। ओके, देखिए आप यहाँ पे जो कालाडिंग, यहाँ से वायर देखे जो बोर्ड से हमारा आता है, वो भी वोल्टेज सही है, आई के वोल्टेज, ग्रीन रेड और ब्लू वोल्टेज आईसी से आ रहा है। ओके, ये सही है। और ये जो हमारा है 180 वोल्टेज आईसी पे यहाँ पे आ रहा है, ये भी सही है, और हमारा बेस पे भी आ रहा है।
तो आप कोई बात नहीं, सब आ रहे तो हम डायरेक्टली चल जाएंगे, और कुछ नहीं रास्ता है, डायरेक्टली आपको चल जाना है इस जो आईसी लगा है यहाँ पे। तो गाइड्स इसका नंबर देख सकते हैं आप, TDA 6107JF, तो इसको ही चेंज करना पड़ेगा, और देखते हैं जो प्रॉब्लम है वो सही होता है या फिर नहीं। तो गाइड्स 99% श्योर मैं होता हूँ कि इसको चेंज करने से ही हमारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो गाइड्स तो देखते रहें, तो मैं इसको खोलने के लिए इसमें ही लगा दूंगा। तो गाइड्स इसका जो आईसी का पिन है मैं बेस में ही लगा के खोलूँगा बहुत ही सावधानी से आप, और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको निकाल लीजिए बाहर में और इसको खोलें, क्योंकि अच्छा होगा। तो अगर गाइड्स आप चाहते हैं कि इसमें इसको लगा के खोलते हैं, तो गाइड्स एक बात का ध्यान रखना, इसको प्रेशर मत देना है, ओके, इसको प्रेशर मत देना है, प्रेशर देने से ये टूट जाएगा, ओके। तो हल्का हल्का करके मैं इसको खोल लूँगा, ऐसे ही आपको खोलना है। अगर आप इसमें लगा के खोलना चाहते हैं तो आपको दिखाते हैं खोल के। इसका टोटल 10 पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिन है। बहुत ही हल्का करके आपको इसको खोल लेना है। नंबर फिर से देखिए 6107JF, तो इसके जगह न्यू आईसी लगाएंगे। तो इसके जगह पे देखिए ये जो आईसी है सेम आईसी, इसको लगाएंगे। बहुत अच्छा से आपको टाइट कर देना है इसको। अब गाइस सीधे इसको यहाँ पे, तो गाइड्स आप ये जो मैं इसका नाट स्क्रूप लगा दिया, आप इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। तो गाइड्स देखिए यहाँ पे ये सेटिंग हो गया, ओके। अब इसको लगा देंगे और उसके बाद सोल्डर करेंगे। तो गाइड्स देखते रहें वीडियो, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैं डायरेक्टली आपको इसको फोकस करके दिखाता हूँ। तो गाइस मैं सेट पे लाइन दे दिया और आपको दिखाते हैं इसका कंडीशन क्या हुआ। गाइड्स मैं थोड़ा सा एसटी को, तो गाइड्स इसके जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसका जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सही हो चुके हैं। तो गाइड्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर है। तो देखते रहे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।